हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर हॉल व्लॉग। गाउन का हॉल होने वाला है मीशो से। जो मैंने 5 गाउन सेलेक्ट किए हैं वो बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। आई नो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और फेस्टिव सीजन भी आ ही चुका है, तो क्यों ना मैंने सोचा कि क्यों ना गाउन हॉल भी बनाया जाए। तो प्लीज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आप लोगों को मेरी जो भी मैं हॉल व्लॉग्स या व्लॉग्स डालती हूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप मुझसे सबसे पहले कनेक्ट हो पाओ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ढेर सारा प्यार देना लाइक कमेंट और शेयर के थ्रू। चलो गेट स्टार्टेड। आप ये सोच भी रहे हो कि हो सकता है सोच रहे हो कि इस गाउन में ये तिलक कहाँ से दिख रहा है। तो मैं वृंदावन गई थी, कल गई थी। इसका भी हॉल इसका भी ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। तो सारा तिलक तो मिट गया पर ये रेड वाला मिटा ही नहीं, तो ये लगेगा अभी एक दो दिन नहीं है, तो मुझे लगता है कल ही ये गायब हो जाएगा। तो चलो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इग्नोर करते हैं। एंड ये हमारी फर्स्ट गाउन है हमारा। तो चलो देखते हैं कौन सा है, कि मैंने भी अभी तक चेक नहीं किया है और मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और ये भी देखने के लिए कि क्या आया है। अच्छा तो गाइस ये है मेंटोसा वुमेन्स ब्लू फॉक्स जॉर्जेट एम्ब्रॉयडरी। ये मैंने खरीदा 401 रुपीस का, स्मॉल साइज का। और ये पिक्चर में तो मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। चलो देखते हैं कि आया कैसे, रिसीव कैसा हुआ है हमें। तो गाइस ये है वो फुल लेंथ गाउन, पिक्चर में जैसा दिखा है वैसा ही इसमें भी दिख रहा है। बाकी ये गोल्डन कुछ ज्यादा ही गोल्डन है, मतलब थोड़ा सा कहते ना ज्यादा चमकने वाला गोल्डन कलर वैसा ही है। कोई बात नहीं, इसको पहन के देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। बाकी घेर तो ठीक ही लग रही है, अंदर का कपड़ा वगैरह सब कुछ मैं आपको पहन कर बताती हूँ। तो ये है वो ड्रेस जो अभी मैं आपको दिखा रही थी। इसका फ्लेयर देखो, इसका फ्लेयर ऐसे बहुत अच्छा है, कपड़ा का क्वालिटी सॉफ्ट है, अच्छा है और ये पहनने के बाद अच्छा लग रहा है मुझे। मतलब गोल्डन कलर उतना उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। ये स्लीव देख सकते हो, ये ऐसा अभी ये स्लीवलेस ही है, पर ये जो स्लीव का स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है रफल टाइप दिया हुआ है। बाकी पीछे से ये कुछ ऐसा लगता है। फिटिंग बहुत अच्छी है, फिटिंग बहुत अच्छी है, स्टिचिंग क्वालिटी अच्छी है, फैब्रिक भी ठीक है इसका अकॉर्डिंग टू द प्राइस। इसका तो फ्लेयर है ठीक है, बट इसका फ्लेयर जो है ये अंदर जो अस्तर है इसका फ्लेयर ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। इस ड्रेस को देख के थोड़ा सा चाइल्डिश टाइप का मुझे मतलब होता है कि थोड़ा सा चाइल्डिश डिजाइन, जैसे हम लोग परियों की कहानी देखते थे, फेरी टेल्स देखते थे, उसमें जो परी होती थी या प्रिंस होती थी वो इसी टाइप का ड्रेस का पैटर्न उन लोगों का रहता था, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे देख के, तो वही वाला याद आ रहा है। तो मुझे तो ये ठीक लगा 400 रुपीज में, तो ये बहुत ही प्यारा है। तो आपको कैसा लगा जरूर से बताना। सारे ही ड्रेसेस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। कुछ भी सवाल हो ड्रेस के लिए, ड्रेस से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। बाकी ये तो मेरी तरफ से डन है। तो गाइस ये है हमारा सेकंड पार्सल, तो चलो इसको ओपन करते हैं। मेरी तो यही सोचती होगी कि सीजर लेके नहीं बैठे भी, पर पता है ना काम के टाइम जैसे मैं आपको जरूरत होता है वो चीज मिलती नहीं है, तो मैं यही सोचा जल्दी से। तो ये है वो रेड कलर की ड्रेस, ओके। ये है क्लासिक ग्लैमरस वुमेन ड्रेसेस 529 रुपीस की। इसमें
ये थोड़ा मरून टाइप का लग रहा था, पर ये तो थोड़ा रेड लग रहा है मुझे, पीला रेड। बाकी ऐसे देखने में तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप पिक्चर देखोगे, जो यहाँ पे जो पिक्चर है देखोगे अगर आप, तो ये नीचे जो घेर दिया हुआ है ना, वो थोड़ा ज्यादा घना लग रहा था, पर ऐसा तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी यहाँ पे देखो ये क्या है, ये थ्रेड्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं। पहले ही डिसअपॉइंटमेंट मिल चुकी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे पसंद भी आएगा ये, मुझे पहनने का भी मन नहीं कर रहा, पर मैं आपको भी पहन कर दिखाती हूँ। तो ये है वो गाउन गाइस, मतलब पिक्चर में जैसा दिख रहा है वैसा तो ये पहली बार बिल्कुल भी है नहीं। और इसका जो सीक्वेंस है ना, वो पता नहीं मुझे पीछे से चुभ रहा है तो। और इसका आप जो ये गाउन का फिट है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है। मुझे यहाँ से भी ये जो सीक्वेंस है ये चुभ रहा है, तो क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से ये आप नेक देख रहे हो, ये जिसका नेक ये अगर ऐसे रहता तो अच्छा लगता, बट ये ऐसे है यहाँ से लूज है तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और आप इसका लेंथ देखो, इसका लेंथ देखो कितना छोटा है, मतलब मैं सिर्फ 5 feet की हूँ तो ये मुझे छोटा हो रहा है। जो मेरे से लंबी लड़के हैं वो उनपे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उनको तो और छोटा होगा, वो बिल्कुल भी मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगा। ना तो इसकी स्टिचिंग क्वालिटी अच्छी है, ना कपड़े का मटेरियल अच्छा है, ना तो इसकी फिटिंग अच्छी है। तो ये मेरे तरफ से तो स्ट्रिक्टली नो है। तो इसको पहन के बिल्कुल भी गाउन वाला फील नहीं आ रहा है। तो और फिर भी अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आप ट्राई करना चाहते हो, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो। बाकी मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि आगे से इसका ऐसा लुक है, पीछे से इसका कुछ ऐसा लुक नहीं आ रहा। पीछे आपको जिप दी जाएगी और पीछे से चुभ भी रहा है मुझे, तो मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा मैं और क्या बोलूँ इसके बारे में। मत लेना। चलो हम देखते हैं नेक्स्ट गाउन। तो गाइस ये है हमारा थर्ड पार्सल, चलो इसको देखते हैं, कम से कम ये तो अच्छा हो, इसको देखते क्या आया है इसमें। नाखों का उपयोग करते हुए ओके, ये भी सीक्वेंस और वेलवेट वाला है। ये वाला जो है, ये इसका नाम थोड़ा सा अजीब है, मतलब अजीब क्या, उर्फी सुन के मतलब मुझे हंसी आ गया था। उर्फी न्यू फैब्यूलस स्टाइलिश एंड गाउन, तो चलो देखते हैं ये कैसा है। ये है 586 rupees का और मैंने इसे स्मॉल साइज में परचेज करा है, तो देखते हैं ये कैसा है। यहाँ पे थैंक यू वाला भी दिया गया है स्टार रेटिंग करने के लिए, पहले पसंद तो आ जाए फिर तो मैं स्टार दूँ, फिर तो देखते हैं। ये वी नेक है इसमें और ये जो फैब्रिक है वेलवेट का है और वेलवेट पे सीक्वेंस है, और फिर ये नेट का है। नेट का जो क्वालिटी है वो ओके है, मतलब एकदम सस्ता वाला भी नहीं कहेंगे और एकदम मतलब अच्छी वाली भी नहीं कहूंगे मैं। इसका घेर भी अच्छा लग रहा है और ये नेट का कपड़ा है। चलो इसको पहन कर देखती हूँ मैं पहले, उसके बाद आगे की रिव्यू देती हूँ कि कहीं ऐसे कहीं से चुभ तो नहीं रहा है। बाकी पता नहीं ये थ्रेड क्यों दिखता रहता है भाई, स्टिचिंग क्वालिटी तो सही कर लो। चलो देखते हैं। तो गाइज ये है वो ड्रेस, एज एक्सपेक्टेड तो नहीं है ये, मतलब इसका घेर अच्छा है नो डाउट, इसका अस्तर का घेर भी अच्छा है, मतलब इसे आराम से चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पीछे से कुछ ऐसा दिख रहा है और आगे से कुछ ऐसा दिख रहा है, मतलब लेकिन जो इशू मुझे लग रहा है इसका जो नेक है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, आंटी टाइप लग रहा है। ये जो है इसको ये थोड़ा ऊपर से ये ऐसे करके अगर रहता ना, मतलब
ऐसे करके यहाँ से पूरा घेर रहता था, ये बहुत प्यारा लग सकता था। थोड़ा ये जो स्लीवलेस है उसका जो ये जो ब्रॉडनेस है वो थोड़ा कम होके अगर थोड़ा ऐसे करके रहता तो बहुत ज्यादा प्यारा लगता। और प्लस ये चुभ भी रहा है, स्टिचिंग क्वालिटी देखो, ये आपको थ्रेड भी दिख रहा होगा, स्टिचिंग क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। मैंने स्मॉल साइज का परचेज करा था, मैंने स्मॉल साइज का परचेज करा था, पर ये आप देख सकते हैं ये कितना लूज है। तो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मेरे तरफ से ये नो है, तो मैं तो इसको नहीं रेकमेंड करूंगी, लेकिन अगर आपको अच्छा लग रहा है या फिर आपको लेना है तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो अब इसके बारे में और क्या ही बोलूँ। हाँ एक चीज और बोलूंगी कि मेरी तरह छोटी हाइट वाली लड़कियां तो ना ही ले इसको, क्योंकि वो और छोटी लगेंगी इसमें। तो ये था इसका ओवरऑल लुक, बाकी घेर तो अच्छा है इसका, नो डाउट। अगर आप मैंने जो जो चीजें बोली उन सब से इससे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आप ये ड्रेस ले सकते हो, बाकी चुभ रहा है सच में। तो चलो हम देखते हैं अब नेक्स्ट ड्रेस। एनीवेज गाइस, ये फोर्थ गाउन है, चलो इसको देखते हैं कि कौन सा वाला है और इसका क्या फिट लुक आने वाला है। ये है ब्लैक कलर का गाउन, अच्छे से मैं समझ गई। लॉन्ग ड्रेस में ये आ गया है, ये गाउन में नहीं काम होगा। तो पता नहीं मैंने इसको कैसे ऑर्डर कर दिया, पर फिर भी कोई बात नहीं, ये भी लॉन्ग ड्रेस में ही आएगा। तो ये था स्टाइलिश रेट्रो वुमेन ड्रेसेस 293 रुपीज का, और ये मैंने स्मॉल साइज में परचेज किया है। तो चलो देखते हैं कैसा होने वाला है ये ड्रेस। 293 यानी समझ लो 300 रुपीज के अंदर आपको ये ड्रेस मिल जा रहा है। बाकी इसका लुक कुछ ऐसा आने वाला है, इसका स्लीव कुछ ऐसा रहेगा। इसके स्लीव का नेट का क्वालिटी बहुत चीप है, अच्छा नहीं है। बाकी ये कपड़ा जो है वो सॉफ्ट लग रहा है, बाकी मैं पहन के दिखाती हूँ। पीछे से कट है, पहन के आती हूँ उसके बाद मैं बताती हूँ इसका पूरा रिव्यू। तो ये है वो ड्रेस, जैसा नाम वैसा काम वाला बात है, रेट्रो नाम है और रेट्रो लुक ही आ रहा है। बस अब तो मैं बस डांस करूंगी, शुरू कर दूंगी। बाकी ड्रेस की क्वालिटी की बात की जाए तो ये स्लीव का जो कपड़ा है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत ही चीप क्वालिटी का है। ये जो कपड़ा है यहाँ पे, ये इसका जो क्वालिटी है वो ठीक ठीक है, मतलब ओके ओके है। और बाकी इसका पीछे से जो डिजाइन है, मतलब इसका देख सकते हो ये नेक बहुत अच्छा है, ये नेक काफी डीप है, और ये पीछे से जो ये कट है वो अच्छा लग रहा है मुझे। प्राइस 300 रुपीज है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये ड्रेस बहुत अच्छी है। आप इसको 3-4 बार पहन सकते हो, कहीं भी घूमने जा सकते हो, कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये 300 रुपीज की है, कौन आगे टच करने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा है, फिटिंग भी इसकी अच्छी लग रही है, स्टिचिंग क्वालिटी अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग ये ड्रेस बहुत अच्छी है, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट ड्रेस। ओके गाइस, ये है हमारा लास्ट पार्सल, तो चलो अब देखते हैं ये लास्ट वाला कौन सा है। इसको तो मैं जल्दी खोलूंगी क्योंकि ये खुल भी गया जल्दी। ये भी ब्लैक कलर का ड्रेस है, और ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में परचेज किया था, और क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल यहाँ पे स्टिकर दिख गया मुझे, इसीलिए मैंने क्या दी थी एक्स्ट्रा स्मॉल। ये है कॉम्फी एलिगेंट वुमेन ड्रेसेस, ये भी 300 रुपीज की है बस। तो चलो देखते हैं कैसा लुक, कैसा कपड़ा का क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मुझे कपड़े का क्वालिटी बहुत अच्छा लगा। स्लीवलेस है ये स्ट्रिप्स वाला, और ये जो है वो एडजस्टेबल है, हालांकि ये जो एडजस्टेबल वाला दिया हुआ है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। बाकी
देखने में तो अच्छा लग रहा है मुझे, इसमें स्लिट भी है। स्लेट भी है। चलो मैं इसको पहले पहन कर आती हूँ, तभी मुझे अच्छे से समझ में आएगा, बाकी मुझे ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा। चलो तो गाइस ये है वो ड्रेस जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। कपड़ा का क्वालिटी तो ठीक है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है, ये ठीक ठीक है। बाकी इसका फिट भी आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, पता नहीं किस टेलर को ये लोग देते हैं। स्टिचिंग क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है ये आप लोग, आई मीन स्टिचिंग क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, चलो ठीक है, पर आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने बताया था कि ड्रेस में स्लिट भी है और स्लिट तो ही दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि स्लिट है गाइस, स्लिट है, पर ऐसे करके कौन स्लिट दिखाएगा, ऐसे करके कौन खड़ा रहेगा, ऐसे करके चलेंगे क्या हम? You serious? ऐसे कौन करता है? या आप कुछ भी कर लो, आप चल रहे हो या घूम रहे हो, ये स्लिट तो दिखेगा ही नहीं। तो यार 300 rupees का ठीक है, लेकिन ऐसा क्या फायदा जब आपका लुक, मतलब लुक आएगा ही नहीं, जैसा कपड़े का जैसा अभी ड्रेस हमने खरीदा वैसा लुक नहीं आ रहा, तो ये 300 rupees में हम क्यों वेस्ट करेंगे? 300 भी बहुत बहुत ज्यादा है इतने फालतू के लिए। तो मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी आप देख सकते हो कि स्टिचिंग क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, और आप ये देखो, ये देखो यहाँ से थ्रेड भी निकल रहा है, क्या करेंगे हम इसे? तो गाइस मेरा एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा मीशो के गाउन के साथ। आपको कैसा लगा ये हॉल व्लॉग जरूर से बताना। अगर आपको कोई भी ड्रेस अगर आपको परचेज करना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको मुझ पे कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लगी या आप कौन सा परचेज करने वाले हो ये आप बता सकते हो। वेल मुझे तो याद नहीं, मुझे तो बस एक लगता है कि मुझे मैंने जो बताया था फेरी टेल वाला जो स्टोरी सुनते थे, फर्स्ट वाली ही बस मुझे अच्छी लगी। बाकी उसके बाद मैंने जितनी भी देखी बिल्कुल भी मुझे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ मीशो गाउन के साथ। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना, कमेंट सेक्शन में बताना आप कौन सा अदर कैटेगरी में देखना चाहते हो वीडियोस। कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आप कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो और उनसे कनेक्ट हो सकते हो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भर भर कर करें गाइस, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को हिट नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो और उतनी खुशी को सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट हॉल व्लॉग में अगले वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, एंड स्टे ट्यून्ड।